पिछले हफ्ते जैसे ही तूफान फोनी ने उड़ीसा को तहस नहस किया, वैसे ही एक एबीवीपी के अफसर श्रीनिवास ने ये दो तस्वीरें फैलाई इस दावे के साथ कि आरएसएस के कार्यकर्ता उड़ीसा में सहायता करने में जुटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दो फोटोज में से एक का इस्तेमाल अक्टूबर 2014 में भी हो चुका है। विश्व संवाद केंद्र भारत ने इसे पोस्ट किया था इस दावे के साथ कि आरएसएस के कार्यकर्ता विशाखापट्टनम में सहायता दे रहे हैं साइक्लोन हुदहुद के बाद। और दूसरी फोटो पहले इस्तेमाल करी गई थी दिसंबर 2017 में, जब विश्व संवाद केंद्र तमिलनाडु ने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता कन्याकुमारी में पहुंचे थे मदद देने साइक्लोन ओखी के बाद। अन्य फोटोज भी सर्कुलेट हो रही हैं, ये कहते हुए कि आरएसएस के स्वयंसेवक मदद दे रहे हैं उड़ीसा में साइक्लोन फोनी के बाद। लेकिन ये तस्वीरें भी पहले से ट्विटर पर मौजूद थीं और एक वेबसाइट organizer.org पर भी पोस्ट करी गई थीं इस मैसेज के साथ कि ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं मदद करते हुए 2018 में साइक्लोन तितली के बाद। जो भी हो, फोटोज चाहे 2014 की हों या 2017 की या फिर 2018 की हों, एक बात स्पष्ट है, ये तस्वीरें हाल के साइक्लोन फोनी की तो नहीं हैं। फिर भी विश्व संवाद केंद्र आसाम ने इन सारी फोटोज का प्रयोग किया है इस दावे के साथ कि ये सब फोटोज हैं आरएसएस के स्वयंसेवकों की उड़ीसा में सहायता देते हुए मई 2019 के साइक्लोन फोनी के दौरान। तस्वीरें बहुत आसानी से अलग अलग रूप में प्रकट करी जा सकती हैं और साथ साथ प्रचार प्रसार भी बदला जा सकता है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।